डाली या पत्तों से नहीं वो रस यदि मिलेगा तो आम के फल से ही मिलेगा। उसी प्रकार से बंधु वेद वृक्ष है परंतु भागवत उसी वेद रूपी वृक्ष पर लगा हुआ फल है। यदि रस मिलेगा तो भागवत कथा सुनकर ही भागवत रस उस वेद रूपी वृक्ष का रस ये श्रीमद् भागवत है जो कथा हम सुन। संत कुमार कहते हैं नारी जी आप ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुन दोनों स्वस्थ हो जाए तो बड़ा आनंद आए। नारी जी ने संकल्प कर लिया ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र तपोज्वलनम्। महाराज मैं संकल्प करता हूं कि मैं ये भागवत ज्ञान यज्ञ कराऊंगा और हरिद्वार में गंगा के तट पर वो महायज्ञ हुआ। संत कुमार वक्ता बने नारद जी श्रोता बने और बड़े बड़े संत महात्मा उस कथा को सुनने के लिए आ गए। अब मैं आप सभी से पूछूंगा कि नारद जी को भक्ति ज्ञान और वैराग्य कहां मिले थे। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों कहां मिले थे नारद जी को। नेवरा में मिले थे निर्वाण में तो नहीं मिले। कोई सो रहा हो तो क्या पता ये बोलते तुम्हारे को तो निर्वाण में मिले क्योंकि कई बार ना कथा सुनते सुनते व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है। एक बार तो मैंने सुना एक जगह ना भागवत कथा होती थी ऐसा कोई विशाल रूप नहीं था गर्भांतर छोटी एक किसी परिवार की कथा थी और परिवार में माने घर भी हो रही थी भागवत कोई ब्राह्मण पंडित जी विद्वान भागवत सुना रहे ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया था बस घर के दरवाजे पर एक बैनर टांग दिया था श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समय लिख दिया इतने से इतने बजे और कथा शुरू हो गई। घर में चार लोग बैठे थे कथा सुन रहे थे पंडित जी कथा बांट रहे थे